नमस्कार मित्रों। तो आज हम बात करेंगे, एक ऐसा आपको मैं विचित्र शक्ति का पता बताऊंगा जो हमको हर रोज मिलती है, लेकिन हमको समय का ही नहीं पता, हमको शक्ति का ही नहीं पता कि कौन सी ऐसी घड़ी होती है जिसमें हमारी मांगी हुई विश पूरी हो। कौन सा ऐसा समय होता है अगर उसके अंदर आप कुछ भी बोलते हैं, अच्छा या बुरा, वो पूरा हो जाता है। वो टाइम कुछ खास समय पे आता है, निश्चित समय पे उसका ध्यान रखना होता है। लेकिन वो ऐसा समय होता है अगर कोई अपने जो उसके सपनों में भी ना आए उससे भी बड़ी इच्छा रखे, वो भी पूरी हो जाती है और तत्क्षण पूरी हो जाती है। इससे व्यक्ति ऐसे भी मैंने देखे हैं जो इस शक्ति का इस्तेमाल, इस समय का इस्तेमाल करते हैं, फिर कहते हैं अरे हमारे लिए तो इसका सपना लेना भी संभव नहीं था, लेकिन ये हुआ कैसे। तो ऐसा टाइम होता है, उसमें क्या होता है, उसमें हमारी संपूर्ण ऊर्जा और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक केंद्र के ऊपर इकट्ठी हो जाती है। उस समय का अगर आप उपयोग करके कोई भी अपनी इच्छा बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, जैसे भी आप बोलेंगे वो पूरे हो जाते हैं। उसका क्या रहस्य है, कौन सा समय है, आपको इतना बड़ा खजाने का पता बताऊंगा जिसके लिए आप कहेंगे कि हमारा जीवन धन्य हो गया। जो लोग कंटिन्यूस मेरे पास रेकी सीखने वाले होते हैं उनके लिए ये विशेष बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना संभव नहीं होता कि उनको हर रोज़ नई से नई बताता रहता हूँ। तो उनको बोला होता है कि यूट्यूब पे कंटिन्यूज़ आप देखते रहना, एक से एक अच्छी से अच्छी आपको चीज़ें बताऊँगा जो कल्पना में नहीं आ सकती। हालांकि उसका कोर्स अलग से पूरा करवा दिया जाता है, लेकिन ये खास तौर से उस तरह के लोगों के लिए होता है। लेकिन आम लोगों का क्या कसूर है जो नहीं जानते रेकी इत्यादि, तो इसलिए YouTube पे अपलोड कर देता हूँ। जो जो भी इस शक्ति का, इस समय का इस्तेमाल कर सके वो कर ले, ये कल्याण का कार्य है। अगर आपके जीवन में उजाला होगा तो उसका प्रकाश कहीं ना कहीं मेरे तक भी आता है, आपका कल्याण होगा तो कहीं ना कहीं उसकी वाइब्रेशन मेरे तक भी आती है। तो ये समय होता है सूक्ष्मना नाड़ी का। सूक्ष्मना नाड़ी किसको कहते हैं जरा सा समझ लें। हमारी जो नासिका है, दो नासिका छिद्र हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि दोनों में से श्वास आता है। कभी 40 मिनट 50 मिनट राइट से आएगा, फिर राइट बंद हो जाएगी, फिर लेफ्ट से आएगा, लेफ्ट से 40-50 मिनट फिर राइट से आएगा। लेकिन इस दौरान थोड़ा सा समय ऐसा होता है, जो राइट होती है इसको हम कहते हैं सूर्य स्वर, जो लेफ्ट साइड की नासिका होती है इधर से श्वास आता है तो कहते हैं चंद्र स्वर, और कुछ टाइम ऐसा गोल्डन पीरियड होता है जिसमें दोनों नासिका से बराबर श्वास आता है। उसके प्रति हम अवेयर नहीं होते क्योंकि उसमें अनंत शक्ति है, उसमें साक्षात शिव की शक्ति विराजमान है। अगर आप भगवान शिव की शक्ति का इस्तेमाल कर लेंगे तो कौन सा ऐसा काम है जो आप नहीं कर सकेंगे, सब कुछ कर सकेंगे। तो सूक्ष्मना कब कब जागृत होती है, सूक्ष्मना क्या होता है, जब राइट साइड से श्वास आ रही है तो आपकी जितनी भी चेतना है उसका एक हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है, अर्थात आपकी आधी ऊर्जा काम कर रही है। इसलिए जो आप चाहते हैं वो कर नहीं पाते, चाहे कुछ भी कैसे भी काम है, जो भी आप चाहते हैं उसमें आपकी 50% ऊर्जा इन्वॉल्व होती है हमेशा। कुछ सेकंड, एक दो मिनट का टाइम ऐसा होता है जब 100% ऊर्जा पूरी आपकी जुड़ जाती है, और जब आपकी पूरी ऊर्जा एकाग्र हो जाती है, यानी पूरी सूर्य चंद्र दोनों की ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है उसी समय पे, क्योंकि आपकी 100% ऊर्जा इन्वॉल्व हो गई, तो परमात्मा की तरफ से एक्स्ट्रा आपको इंसेंटिव मिलता है। वो क्या मिलता है कि ब्रह्मांड की भी सारी ऊर्जा आपको उस टाइम पे मिल जाती है जब आपकी सूक्ष्मना जागृत होती है। सूक्ष्मना किसको कहते हैं, जब दोनों नासिका से बराबर श्वास आता है वो समय सूक्ष्मना का है। लेकिन ये नब्बा नहीं होता, खाली योगी लोगों को छोड़ दें जो योग में रहते हैं, अपने ध्यान में रहते हैं, बहुत भक्ति करने वाले होते हैं, तो उनका कहा जाए, बहुत सारे आपने ऐसे सुने होंगे कि उनका बोला हुआ हर वाक्य पूरा होता है, जो बोल देते हैं वो सच हो जाता है, उल्टा सीधा कुछ भी बोल दें सच हो जाता है। क्यों, क्योंकि दोनों नासिका से बराबर श्वास उनके अधिकतर चलता रहता है। जितना दोनों नासिका से श्वास चलता है, एक मिनट की जगह
10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा उतनी उसकी आत्मा ज़्यादा शक्तिशाली होती है। उसका आभामंडल ऐसा होता है कि आम आदमी को अगर थोड़ी देर के लिए थर्ड आई खोल दी जाए तो उसको देख ही नहीं पाएगा, इतना प्रचंड प्रकाश, इतनी प्रचंड शक्ति उसकी आत्मा में हो जाती है, उसकी आत्मा परम शक्तिशाली हो जाती है। तो क्या करना है, जब हमारी नासिका से कभी राइट से कभी लेफ्ट से श्वास आता है, जब चेंज होता है, कुछ 10-15 श्वास ऐसे होते हैं जब दोनों नासिका से श्वास आ रहा है, जब दोनों नासिका से श्वास आ रहा है उस टाइम पे, जब राइट से आ रहा है तो क्या हो रहा है, आपकी एक साइड की ऊर्जा यानी कि शक्ति का स्तर आपका वो जागृत है। आपकी राइट से श्वास आ रहा है तो लेफ्ट साइड जो है वो शक्ति का ऊर्जा है, क्योंकि सूक्ष्म की जो नाड़ियां हैं वो सीधी नहीं ऐसे चलती हैं सांप की तरह। जब राइट से श्वास आता है तो लेफ्ट की सारी शक्ति मिली होती है, जब लेफ्ट से श्वास चलता है तो राइट की सारी शक्ति मिल जाती है, दोनों की इकट्ठी नहीं कभी मिलती। जब दोनों नासिका की इकट्ठी आपको शक्ति मिले, यानी कि दोनों नासिका से आपने ये हर घंटे में आप अपने आप को देख सकते हैं, ये अलग अलग और बढ़ता जाएगा वो बताता हूँ। एक घंटे बाद आप चेक करें, अपनी नासिका को बार बार चेक करने की आदत डाल लें, दोनों जोर से श्वास फेंके बाहर, आपको पता चल जाएगा एक से आ रहा है श्वास, दोनों से आ रहा है। अगर दोनों से आ रहा है उस टाइम पे कोई भी आप संसार का काम कभी ना करें, कोई नया काम, घर से बाहर निकलना, मशीन चलाने का कोई ऐसा जिसमें जरा खतरा है, कभी भूल के भी मत करना, 100% लिख लेना, दुर्घटना होगी होगी उसमें। घर से बाहर निकल जाएंगे सूक्ष्मना के टाइम, आपको बचाने वाला अतिरिक्त भगवान की और दूसरा कोई नहीं है, दुर्घटना अवश्यभावी होती है उसमें। क्यों? क्योंकि जो सूक्ष्मना का टाइम होता है वो शिव है साक्षात, जो काल स्वरूप है। लेकिन ये समय ऐसा होता है जब हम भक्ति में बहुत सफल होते हैं, आपके बोले हुए अच्छे बुरे शब्द पूरे हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि जब मेरी सूक्ष्मना चलेगी तो मैं, फलाना मेरा दुश्मन है उसके लिए मैं बोलूंगा, उसका सत्यानाश हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, आपके मुख से बुरा शब्द निकलेगा सूक्ष्मना के टाइम, दूसरे को तो जो होना सो हो ही जाएगा, उसका तो सत्यानाश हो जाएगा, उससे 10 गुना आपका तुरंत हो जाएगा। उसी टाइम पे वो अष्टाम आपका लिख दिया जाता है कि इससे 10 गुना इस व्यक्ति को दर्द देना है, तुरंत आपके ऊपर इफेक्ट आता है। ये गलती कभी नहीं करना, केवल अच्छी चीज अपने लिए दूसरों के लिए। एक एक घंटे बाद चेक करें, आपको लगेगा कि अभी दोनों नासिका से श्वास आ रहा है, ये आधे मिनट एक मिनट के लिए होगा, कभी कभी 2 मिनट। तो उसमें जैसे ही आपको ये आए तो आपको जो आपकी विश है, जो आपकी इच्छा है, पैसा चाहिए तो आपको चाहिए कि मुझे 10 करोड़ चाहिए, श्वास अंदर भरते हुए मेरे पास 10 करोड़ है, 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 मेरे पास 10 करोड़ आ गया भगवान धन्यवाद, मेरे पास 10 करोड़ आ गया भगवान धन्यवाद, सेहत अच्छी करनी है भगवान, मेरी पूरी सेहत अच्छी हो गई, मैं तंदुरुस्त हो गया, मैं निरोगी हो गया, मैं शक्तिशाली हो गया, जो भी इच्छा है आध्यात्मिक प्रगति, ये खासकर आध्यात्मिक प्रगति के लिए होती है। जिसकी आध्यात्मिक प्रगति हो गई संसार का तो सब कुछ उसके हाथ में है। तो अगर आप उस टाइम पे आंखें बंद करके ध्यान भजन करेंगे, इतना गहरा फल मिलेगा जितना आपको 6 घंटे में फल मिलता है 2 मिनट में मिलता है सूक्ष्मना के टाइम। सूक्ष्मना का ये महत्व है, 4-6 घंटे पाठ करेंगे उसका जितना फल है 2 मिनट में उतना फल बन जाता है सूक्ष्मना के टाइम। क्यों? क्योंकि नॉर्मल टाइम में आपकी ऊर्जा 50% इन्वॉल्व होती है। एक नासिका चल रही है ना तो कभी राइट चाहे लेफ्ट 50% इन्वॉल्व है, लेकिन जब सूक्ष्मना चलती है ये और कब कब चलती है, हर घंटे में। इसके अलावा सुबह जब संधि का समय होता है, 2 टाइम मिल रहे हैं, सूर्य हो रहा है अंधेरा जा रहा है, उस टाइम पे आपकी सूक्ष्मना चलेगी, आप उस टाइम पे जागृत हो जाते हैं तो उठते ही आप ये बोलें मैं आनंदित हूँ, मैं शांत हूँ, यानी जो आप चाहते हैं वो आप बोलेंगे, वो पूरा होने लग जाता है। कितनी संभावना है, 99.9% संभावना है वो चीज़ पूरी हो जाती है। हाँ, ऐसा हो सकता है एक बार में ना हो, आपको 2 बार 3 बार 4 बार एक हफ्ता करना पड़े, लेकिन वो काम मैंने देखा है कि 100% होता है, भगवान शिव का विज्ञान है ही। इसके अलावा दोपहर को 12 बजे करेक्ट, 12 बजे कभी कोई संसार का नया काम ना करें, 12 बजे सूक्ष्मना चलती है, ये उसका टाइम है। क्यों? 2 टाइम मिल रहे हैं, सुबह का गया और दोपहर आ गई, करेक्ट 12 बजे। आप अपनी नासिका को देखेंगे, आपकी सूक्ष्मना उस टाइम पे चल रही होगी, किसी की 5-10 मिनट आगे पीछे चल सकती है। अगर आपने अभी अभी भोजन किया है
तो कुछ टाइम के लिए सूर्यास्त पर चलेगा, फिर 12 बजे नासिका चलती है, तो 12 बजे कोई नया काम करेंगे वो समझे असफल है, फेल है, दुनिया का कोई भी नया काम किया हुआ फेलियर होगा, सूक्ष्मना चल रही होगी। शाम के समय अगर 6:30 बजे का आजकल का सूर्यास्त का टाइम है तो उस टाइम पे 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट के लिए सूक्ष्मना चलती है, संधि जो की जाती है, संध्या की जाती है, इसीलिए की जाती है, ये समय केवल इसी काम के लिए है, इसी में सफलता देता है। तो आप जो चाहते हैं इस टाइम पे बोलें, 1-1 घंटे बाद अपनी नासिका को चेक करें, सुबह दोपहर शाम। इसके अलावा कुछ लोगों के साथ ऐसा भी देखा गया या ऐसी मान्यता है कि जिसकी सूक्ष्मना लगातार चलती रहती है उसके साथ कोई बहुत दुर्घटना घटती है या उसकी मृत्यु हो जाएगी या मृत्यु जैसा उसको दुख मिलता है। ये अधिकतर लोग मैंने देखे हैं ऐसे बोलते हैं, यूट्यूब पे आते हैं तो छोटी छोटी उनको बातें कुछ उससे सुन ली, उससे सुन ली, उससे सुन ली, तो जो बोलते हैं उसका भ्रम फैलाने लग जाते हैं, इसलिए आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक, तो उनको अनुभव नहीं होता उस चीज का, तो इसलिए खतरनाक हो गया। दूसरों को बोल देंगे अरे तेरी सूक्ष्मना चल रही है, तो आपकी 2 दिन चल गई, अगर कभी 1 दिन चल गई तो आपको वहम पड़ जाएगा, मैं तो मरने वाला हूं, आप मारे मारे फिरेंगे, मरने वाला हूं। सूक्ष्मना नाड़ी खासकर योगियों की लंबे लंबे टाइम तक चलती है, 1 घंटा आधा घंटा 2-2 घंटे, और जब सूक्ष्मना चल रही हो कभी, यानी दोनों नासिका से श्वास आ रहा है, कोई नया काम ना करें उस टाइम पे, जो आप मुख से बोल देंगे उसकी संभावना 99.9 है वो पूरा हो जाता है। क्योंकि जब आपकी सूक्ष्मना चलती है, राइट भी चल रही है, लेफ्ट भी, दोनों तरफ की सारी ऊर्जा जागृत है, जब आपकी ऊर्जा जागृत है ऊपर से ब्रह्मांड भी अपना दरवाजा खोल देता है कि ले मेरी भी शक्ति ले, तू काम कर ले, ब्रह्मांड भी आपके ऊपर खुश हो जाता है, ऊपर की भी सारी शक्ति मिल जाती है, आप असीमित शक्तिशाली हो जाते हैं, इसलिए आपके बोले हुए वाक्य सत्य और पूरे होते हैं उस समय पे। संध्या के टाइम लड़ाई झगड़ा गुस्सा नहीं किया जाता, कारण यही है। ये तो एक चीज हो गई, कुछ लोग ऐसे ही मान्यता है कि इससे मर जाते हैं, इसमें थोड़ी सच्चाई है, कुछ केसेस में होता है, अदरवाइज क्या होता है सूक्ष्मना, जो लोग बहुत ध्यान भजन करते हैं उनकी सूक्ष्मना लंबे लंबे टाइम तक चलती है। अच्छा हुआ मेरे टाइम पे YouTube उतना पॉपुलर नहीं था, तो भगवान की कृपा से मेरी सूक्ष्मना लगभग 2 साल तक चली कंटिन्यू, थोड़ा टाइम नहीं चली, जब भी श्वास को देखता था सूक्ष्मना, जब भी देखो सूक्ष्मना, बहुत कभी ऐसा टाइम रेयर हो गया कि मेरी चंद्र चलेगा सूर्य चलेगी, हर टाइम मेरी सूक्ष्मना चल रही है। शरीर भी एक तरह से ऐसा ही हो गया था कि बिल्कुल आनंद में 24 घंटे और मन 24 घंटे शून्य में ध्यान में, लगभग 2 घंटे 2 साल का मेरे को याद है 2 साल मेरी कंटिन्यूस चली थी। अगर किसी ने मुझे वहम डाल दिया होता कि इससे ये हो जाता है तो मैं उसको सोचता और वो मैनिफेस्ट हो जाता, क्योंकि सूक्ष्मना में आप जो सोचते हैं बोलते हैं उसको शक्ति मिलती है पूरी। तो अच्छा हुआ उस टाइम पे नहीं था यूट्यूब, क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान वाले खराब करते हैं। तो ये क्या होता है, जिसकी सूक्ष्मना बहुत ज्यादा चलती है अगर वो योगी है तो उसके बोले हुए हर शब्द पूरे होंगे, अगर वो योगी नहीं है, किसी की अचानक से 4 घंटे 6 घंटे 1 दिन 2 दिन 3 दिन चल गई तो उसके हाथ से कुछ ज्यादा खतरनाक काम हो सकता है। इसलिए खतरनाक यानी किसी का खून कर देगा, एक्सीडेंट कर देगा, कोई बहुत गलत काम कर देगा, क्यों, क्योंकि उसको ध्यान का अभ्यास है नहीं है, और शक्ति कहाँ जाएगी, फिर सारी शक्ति सत्यानाश में उसकी चली जाती है, गलत काम कर देता है। इस ये बात सिर्फ 25% सत्य है, अगर किसी की कोई ध्यान भी नहीं करता और ऐसे ही हफ्तों महीने लंबे टाइम तक सूक्ष्मना चलती है तब हो सकता है उसको कोई ज्यादा बीमारी वाली टाइम आने वाला हो, कोई बीमारी आने वाली है कुछ है। अगर सूक्ष्मना चल रही है आप तुरंत किसी की 1 महीना 2 महीने 3 महीने और वो ध्यान भजन कुछ भी नहीं करता, उसका कारण होता है कि जिसकी एकाग्रता सध जाती है, आपकी एकाग्रता किसी एक चीज के ऊपर लग गई, आपकी सूक्ष्मना जागृत हो ही जाएगी। अगर आपकी सूक्ष्मना जागृत हो गई और आपको लग रहा है कि ऐसा मैं कोई ध्यान भजन नहीं करता, कोई बीमारी आ सकती है, कुछ और गड़बड़ हो सकती है, तुरंत महामृत्युंजय का जाप शुरू कर दें। आपका महामृत्युंजय का एक मंत्र का जप का फल आपको 100 मंत्र के बराबर मिलता है सूक्ष्मना के टाइम।
तो वो करें, आपका वो कट जाएगा और नाड़ी बैलेंस हो जाएगी। ये सूक्ष्मना का रहस्य है। और ये सुबह दोपहर शाम तीन टाइम पे अगर आप कुछ भी नहीं करते तो 2 मिनट 5 मिनट जरूर चलती है। अगर आप ज़्यादा गहरे ध्यान में उतरते हैं तब भी आपकी सूक्ष्मना एक्टिवेट हो जाती है। आप ज़्यादा पाठ पूजा करते हैं तब भी हो जाती है। यानी ये गोल्डन टाइम है। उस टाइम पे आप जो चाहते हैं वो शब्द बोलें कि मेरा ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया, उसको प्रेजेंट में बोलना है, मेरी सेहत अच्छी हो गई, पैसा आ गया, आध्यात्मिक प्रगति हो गई, जो भी आप चाहते हैं पूरे सेंटेंस को। किसी को कुंडलनी जागृत करनी है, मेरी पूरी तरह कुंडलनी भी जागृत हो गई और पूरी तरह बैलेंस है, बस बैलेंस है, ये जरूर बोलना है। कुंडलनी खुद से करेंगे तो ऊपर नीचे हो सकता है, तो बैलेंस है, ऐसी आप एफर्मेशन देंगे तो काम उससे हो जाता है। इतना करें, ये बड़ी गोल्डन टाइम की है, भगवान का आशीर्वाद है। क्योंकि नॉर्मल आपकी ऊर्जा 50% काम करती है, सूक्ष्मना के टाइम 50 के साथ पीछे जीरो लग जाती है, 500% हो जाती है, इतनी ज़्यादा पावरफुल है सूक्ष्मना। धन्यवाद, नमस्कार।